नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूँ रंगीला 2.0 का आवाज में। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि हमारे पंचायत में पानी की कमी हो गया है, तो कुछ व्यक्तियों को वो वीडियो समझ में आया था, कुछ वीडियो पार्ट्स जो है ना समझ में नहीं आया था कि आखिर रंगीला कहना क्या चाहता है। उसी बात को लेकर फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए, बिहार मुंगेर बरियारपुर प्रखंड कररिया पश्चिम पंचायत बंगाली टोला में वार्ड नंबर 2.0 गली में नल जल योजना पानी पाइपलाइन कनेक्शन की लगभग महीनों दिन से पानी बंद है। पानी बंद होने के कारण ये है कि मोटर जो है ना समरसेबुल वो खराब हो गया है। बोरिंग से समरसेबुल खींच करके रखा हुआ है या कहीं ठीक में उसका कार्य चलता होगा ये मानते हैं। महीनों दिन से जो पानी प्रॉब्लम चलता है चल रहा है, कहीं ना कहीं इसका लापरवाही है। अगर जो इसके साथ एक्टिव रहता तो ऑटोमेटिक पानी चलता। आखिर हम ये वीडियो क्यों बना रहे? हमको तो कोई लेनो देनो नहीं है, हमको बीवी बच्चा है नहीं, हमको जो बच्चा बुतरुक नहवाएंगे धोवाएंगे, अगर हमको होता तो गंगा जी में ले जाके खर खर के नहवाते हैं। सो सब बात नहीं है, परेशानी यहाँ तक है कि मेरे गली में 2.0 गली में जो व्यक्ति पानी का यूज कर रहा था, जिसको घर में चापाकल नहीं था, वो इधर से उधर भटक रहा है, उसको भारी परेशानी होता है। दूसरे यहाँ जाता है ठोकर खाना पड़ता है, बात बोली सुनना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। यही वजह है जो कि हम किसी व्यक्ति को अपने चापाकल पर मना नहीं कर रहे हैं। मना करने का रीज़न है कि अगर जिस व्यक्ति का चापाकल खराब हो जाएगा तो वो अचानक ठीक कैसे करेगा? आदत तो लगा हुआ है नल जल योजना पानी पाइप का पीने का। सौ बात की एक बात है कि चापाकल का पानी शुद्ध निकलता नहीं है। वो जो चापाकल का बोरिंग का जो पानी आता है समरसेबुल नल जल योजना का, तो उसका पानी कुछ ठीक ठाक है। देखिए, ठीक ठाक इसलिए है कि वो एक जगह से पानी आता है, वो सभी पीता है रेगुलर रूप से। बाय चांस आप पानी पाइप का पी रहे हैं तो अगर दूसरे चापाकल का पानी पीजिएगा ऑटोमेटिक है सर्दी खोखी जुकाम होना है तो होना है, जैसे हमको हो गया। हम को पानी पीने का था आदत वो नल जल योजना वाला, तो पानी पी लिए दूसरे जगह का, हमको खोखी सर्दी ऑटोमेटिक हो गया। ना जाने मेरे जैसा कितने व्यक्तियों को सर्दी खोखी जुकाम हुआ होगा, कितने व्यक्ति दवा सुई लिया होगा। पानी के इफेक्ट पड़ता है हम मानते हैं, लेकिन जो पानी जो रुका हुआ है उस पर थोड़ा सा आप फोकस करिए। जिन व्यक्तियों को ये चीज़ सौंपा गया है ना, अपने कर्तव्य के हिसाब से काम करते जाइए, चाहे विपक्ष विपक्ष कुछ भी कहे। सभी चाहता है कि पानी चले, कोई कहता है कि नहीं चले। गली में या हर जगह दो पार्टी रहता है, पक्ष विपक्ष। उन सब बातों को छोड़ करके आप पानी चालू करिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए G2.0 साथी नौशा।